हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसा कंपैरिजन करने वाले हैं जो मैंने तो यूट्यूब के ऊपर अभी तक नहीं देखा है। हाँ, मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने कंपेयर किया था इस चीज़ को, लेकिन आज आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो कंपैरिजन के लिए हमने एक लिया है 2000 वॉट का गीज़र, जो कि 15 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है। यहाँ पर इसका स्टिकर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 2000 वॉट का हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर लगा हुआ है। और 2000 वॉट की ही इमर्शन रॉड है मेरे पास, जिसको मैं यहाँ पर इस गीज़र के साथ कंपेयर करने वाला हूँ। और हम लेंगे 15 लीटर पानी इस बकेट के अंदर। ये गीज़र में से ही पानी मैं भर रहा हूँ और यहाँ पे मार्किंग की हुई है 15 लीटर की। अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये जो मार्क किया है हमने 15 लीटर वाला, ये सही है या नहीं। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इसमें आपको पता लगेगा कि ये जो मार्क है ये बिल्कुल सही है। अब दूसरी बात ये कि आपको ये भी लग रहा होगा कि पानी इसमें से ही क्यों निकाला जा रहा है। पानी को इस गीज़र में से इसलिए निकाला है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो पानी का टेम्परेचर इस गीज़र में है वही टेम्परेचर का पानी हम इमर्शन रॉड से भी गर्म करें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं ये कंपैरिजन। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन प्रेस करके सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे मेगा कंपैरिजन आते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। गीज़र और इमर्शन रॉड के कंपैरिजन के लिए सारा सेटअप हमने रेडी कर लिया है। ये है वो बकेट जो हमने भरी है और इसके अंदर हमने इमर्शन रॉड को डाल दिया है। सबसे पहले हमें ठंडे पानी का टेम्परेचर ही लेना होगा। तो चलिए पहले गीज़र में जो पानी है उसका टेम्परेचर यहाँ से लेते हैं। तो ये मैं ज़रा इसको ऑन कर लेता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पर जो है टेम्परेचर पानी का हमें पता लगेगा। तो फिलहाल जो रीडिंग आ रही है वो 20.5 के आसपास आ रही है और ये धीरे धीरे बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। और 21 के आसपास आ गया है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे जाकर रुकेगा ये। तो ऑलमोस्ट 21 के आसपास यहाँ पर आप मान सकते हैं, अब थोड़ा कम जा रहा है तो 21 के आसपास आप इसमें मान सकते हैं पानी है। और सेम टेस्टिंग हम इसके पानी में भी कर लेते हैं, हालांकि भरा तो हमने उसमें से ही है, बट स्टिल हमें यहाँ पर पता लग जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं सेम टेम्परेचर से इसमें पानी है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने जो इमर्शन रॉड है 2000 वाट वाली वो डाल दी है, क्योंकि ये एक वाटरप्रूफ इमर्शन रॉड है, इसलिए पानी के अंदर ही मैंने छोड़ दी है। क्योंकि बाल्टी में पानी कम है इसलिए ऊपर हैंग करके हम इसको नहीं चला सकते हैं। और ये यूवी कंपनी की इमर्शन रॉड है, बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढी थी 2000 वाट की। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, वैसे तो आपको इस वीडियो में पता लगी जाएगा कि ये प्रॉपर वॉटेज लेती है नहीं लेती है। तो यहाँ पर ठंडे पानी की जो टेम्परेचर है वो हम ले चुके हैं। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर के ऊपर अभी सारी रीडिंग्स 0-0 हैं, लेकिन जो इनपुट वोल्टेज है वो 230 आपको दिख रही है। 230 पे ही हम टेस्ट करेंगे इन दोनों ही चीज़ों को। और ऊपर है स्टॉप वॉच जिससे हमें पता लगेगा टाइम ऑफ हीटिंग। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक गीज़र को ऑन करने वाले हैं और देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक गीज़र पानी को गर्म करने में, यानी कि 15 लीटर पानी को गर्म करने में कितना समय लगेगा इसमें और ये कितनी बिजली खा जाएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये देखो, इसको हमने हाई पर सेट किया हुआ है, क्योंकि हाई पे ही हमने यहाँ पर सारी टेस्टिंग करनी है और उसके बाद हम इमर्शन रॉड को चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको ऑन कर लेता हूँ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बटन ऑन किया, आप देख सकते हैं लोड यहाँ पर शो होने लगा है और जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट ड्रॉप हुई है। तो मैं ज़रा उसको रिवाइव कर लूँ पहले। तो 220 से ऊपर जा रही है, अब 230 पे हमें बेसिकली सेट करना है। तो ये देखिए, तो 230 मैंने सेट कर दिया है बिल्कुल, क्योंकि 230 वोल्ट पे ही हमने सारी टेस्टिंग करनी है। और आप देख सकते हो 230 वोल्ट जब इनपुट है तो गीज़र ले रहा है लोड 1950 के आसपास। हालांकि 2000 वॉट का हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर लगाया गया है, कंपनी की तरफ से स्टिकर पर लिखा हुआ है जो बताया गया है, बट वॉटेज जो है 50-60 वॉट कम पे ही ये चल रहा है। अम्पेयर आप देख सकते हो लगभग 8.5 अम्पेयर के आसपास ये ले रहा है। और इस गीज़र को चलते हुए लगभग 1 मिनट का समय हो चुका है। और यहाँ पर अब गीज़र पर अगर आप गौर करेंगे तो दोनों लाइट यहाँ पर जल रही हैं, एक ग्रीन है एक रेड है। रेड वाली है जो पावर को इंडिकेट करती है, ग्रीन वाली है जो हीटिंग को इंडिकेट करती है। सो फिलहाल अब इसको हमें चलने देना है। और यहां पर भी मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको, ये एक 5-स्टार रेटिंग का गीजर है, यानी एनर्जी एफिशिएंट गीजर है। लेकिन फिर भी अब जो हमें रिजल्ट मिलेंगे उससे पता लग जाएगा कि ये जो गीजर है 15 लीटर पानी को गर्म करने में कितनी बिजली खाएगा और कितना ये समय ले लेगा। उसके बाद फिर हम इमर्शन रॉड को चलाएंगे और इमर्शन रॉड को चलाएंगे उतने ही समय के लिए जितने समय में ये कट आउट होगा, क्योंकि
तभी हमें यह पता लगेगा कि एक इमर्शन रॉड उतने ही समय में क्या उतने ही डिग्री से पानी को गर्म करेगी और क्या उतनी ही बिजली खा जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको आज प्रैक्टिकल इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो इमर्शन रॉड ही लेना चाहते हैं, कोई है कि जो गीज़र लेना चाहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर सब क्लियर हो जाएगा। बहरहाल, एक गीज़र और इमर्शन रॉड में क्या फ़र्क होता है, इनकी क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, थंबनेल आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लोट कर रहा है, आप इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल हम कर देते हैं कैमरे को स्टैंड। तो क्रॉम्पटन का ये गीज़र ऑटो कट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन लाइट बंद हो गई है और स्टॉपवॉच भी हमने बंद कर दिया है। इस गीज़र को कट होने में लगे हैं 27 मिनट 30 सेकंड, यानी कि पूरे 27.5 मिनट का समय लिया है इसने 15 लीटर पानी को गर्म करने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोड बंद हो चुका है, लेकिन इसने जो बिजली खाई है वो यहाँ पर हमें दिखेगी, 0.88 यूनिट इसने खा लिए हैं 15 लीटर पानी को एक बार गर्म करने में। और इनपुट सप्लाई आप देख सकते हो 240 शो हो रही है, क्योंकि अब ये बंद हो चुका है तो वोल्टेज दोबारा से रिवाइव हो गई है जो इसने ड्रॉप की थी। तो हमने इसको हाई पर ही चलाया था और हाई के ऊपर अब इसने कितने डिग्री पर पानी को गर्म किया है वो हम देखने वाले हैं इसके टैप में से पानी को निकाल कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पानी का टेम्परेचर लेना। तो ये मैंने यहाँ पे इसका टैप ओपन किया और यहाँ पर हमें पता लगेगा। तो पानी की जो भाप है वो आप शायद कैमरे पे देख पा रहे हो, बट आप ध्यान दीजिए टेम्परेचर मीटर के ऊपर, और ये देखिए टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और ऑलमोस्ट ये 70-75 डिग्री के आसपास तो जाएगा ही। मैं थोड़ा और खोल लेता हूँ इसको। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग 70 के आसपास यहाँ पर आ गई है रीडिंग। और इसका स्विच मैं फ़िलहाल बंद कर लेता हूँ ताकि ये दोबारा ऑन ना हो। ये देखिए दोस्तों, तो हमें यहाँ पर लगभग 70 डिग्री के आसपास से पानी मिल रहा है और अब इसमें जितना पानी मैं निकालते चले जा रहा हूँ उतना गर्म पानी भी इसके अंदर एंटर होते चला जा रहा है। तो हम वो मैक्सिमम रीडिंग लेंगे जो यहाँ पर हमें मिलेगी और उसी को आगे कंपेयरिंग के लिए रखेंगे। तो 71.6 यहाँ पर मुझे, और 7 हो गई, 8 हो गई, तो बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर यहाँ पर और हमें मैक्सिमम ही यहाँ पर कैच करना है। तो अब ये थोड़ा कम हुआ है, तो 71.8 मुझे लगता है, आप देखिए कम होता जा रहा है। तो चलिए फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। तो 71.8 डिग्री पर हमें यहाँ से पानी मिला है, यानी कि लगभग 75 डिग्री पर कटआउट मारा होगा इसने और पानी जो हम निकाला तो 71.8, इसको आप 72 डिग्री मान लीजिए। और 72 डिग्री पर इसने पानी को गर्म किया है, 15 लीटर पानी को गर्म किया है 0.88 यूनिट कंज्यूम करके और 27.5 मिनट लगाकर। तो अब ये सेम टेस्टिंग हम करने वाले हैं इस बकेट में, और इस बकेट में हमने प्लेस कर रखी है ये यूवी की 2000 वॉट की इमर्शन रॉड, जिसको हम चलाने वाले हैं 27 मिनट 30 सेकंड के लिए और फिर हम देखेंगे कि 27 मिनट 30 सेकंड में ये कितनी बिजली खाती है और कितने डिग्री पर पानी को गर्म कर देती है। तो चलिए फटाफट से इसका प्लग लगा लेता हूँ और इसको करते हैं ऑन। इसका जो सॉकेट है वो हम उतार लेते हैं और ये इमर्शन रॉड का जो सॉकेट है ये यहाँ पर लगा लेते हैं। और इमर्शन रॉड का सॉकेट लग गया,
यहाँ पर इसको जीरो कर लिया। अब स्टॉपवॉच को भी मैं यहाँ से रीसेट कर रहा हूँ क्योंकि हमें दोबारा से अब इसको 27 मिनट 30 सेकंड के लिए चलाना है। तो यहाँ पर इमर्शन रॉड सेट हो चुकी है। तो पहले सबसे इसको स्टॉपवॉच को ऑन करते हैं। तो जैसे ही स्टॉपवॉच चली वैसे ही मैंने ये बटन ऑन कर दिया और आप देख सकते हैं सप्लाई जो है वो 230 की बिल्कुल स्टेबल यहाँ पर आ रही है और 1970 के आसपास यहाँ पर लोड चलता हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर 2000 वॉट की इमर्शन रॉड है जो हमने यहाँ पर टेस्टिंग में ली है, कंपैरिजन में ली है। और बिजली की जो कंजम्पशन है वो भी ये काफ़ी तेज़ी से करेगी क्योंकि पूरा लोड ले रही है। ये अम्पेयर आप देख सकते हैं 8.54 यानी साढ़े आठ अम्पेयर का लोड ये लेती हुई। और आप देख सकते हैं बाल्टी के अंदर जो इमर्शन रॉड है ये ऑन हो चुकी है और कुछ पार्ट इसका हैंडल वाला भी पानी के अंदर है क्योंकि मैक्सिमम इसको पानी के अंदर रखा गया है। अच्छा, ये भी इसीलिए रखा है मैंने, मैं छोटी बाल्टी भी ले सकता था लेकिन एक गीज़र के अंदर जो एलिमेंट होता है वो पूरी तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। तो उसी तरह से मतलब एक तरह से वही चीज़ हमने यहाँ पर की है कि उस रॉड को भी पूरी तरह से पानी के अंदर डिप कर दिया है। तो अब इसको चलने देते हैं 27 मिनट 30 सेकंड के लिए और फिर हम देखेंगे कि 27 मिनट 30 सेकंड में क्या ये इस क्रॉम्पटन के 15 लीटर गीजर से जीत पाती है या नहीं। तो चलिए फिलहाल इसको ऐसे ही चलने देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब वो मोमेंट आने वाला है जब हमें फाइनल रीडिंग्स मिल जाएंगी और मैं तो बड़ा क्यूरियस हूँ ये देखने के लिए कि क्या इमर्शन रॉड जीत पाएगी या नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 27 मिनट 9 सेकंड 10 सेकंड घड़ी भागती हुई और जैसे ही टाइम पूरा होगा मैं यहाँ पर स्टॉपवॉच को बंद करूँगा और ये वाला बटन भी, और उसके बाद टेम्परेचर लेंगे पानी का जिससे हमें ये पता लगेगा कि कितने डिग्री पर इसने पानी को गर्म किया है। तो अब यहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो गया है, जैसे ही होगा 30 वैसे ही दोनों चीजें बंद कर दूंगा मैं। तो आप देख सकते हो 27 मिनट 31 सेकंड पर मैंने वॉच बंद करी और साथ में ही यहां पर बटन बंद कर दिया। और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले यूनिट कंजम्पशन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यूनिट कंजम्पशन जो है इसका 0.92 आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो क्लियर हो गया आप, 0.92 यहाँ पर इसने बिजली खा ली है जबकि क्रॉम्पटन के ये 15 लीटर के गीजर ने बिजली खाई थी 0.88 यूनिट और 230 का स्टेबल सप्लाई था तब भी, और इसको भी हमने 230 के ऊपर ही टेस्ट किया है। अब आती है बारी टेम्परेचर की कि इसने कितना गर्म किया है पानी को, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर मीटर से ही हेल्प लेनी होगी। तो चलिए पानी में इसको डाल लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि कितने डिग्री पर इसने पानी को गर्म किया है। तो जब तक ये सेंस कर रहा है आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि क्रॉम्पटन वाले गीजर ने कितने डिग्री पर पानी को गर्म किया था। तो यहाँ पर रीडिंग्स तेज़ी से बढ़ती हुई और यहाँ पर अब देखते हैं रीडिंग कहाँ पर जाकर थमेगी। तो फिलहाल यहाँ पर रीडिंग थमने का नाम नहीं ले रही है, ऊपर ही चली जा रही है। आप देख सकते हैं इमर्शन रॉड का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है आपके सामने है, ये बिल्कुल 69.5 के आसपास, 6 के आसपास, 7, तो एक एक पॉइंट यहाँ पर बढ़ता हुआ साफ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं 69.9 हेड टू हेड हो गया अब यहाँ पे बिल्कुल
70 डिग्री की रीडिंग कभी भी मिल सकती है हमें, आप देखिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब मैं देख पा रहा हूँ कि जो रीडिंग है वो स्टॉप हो गई है और ये बैक आ गई है, ये देखो 69.8 से। सो बहरहाल आपने देखा इस टेस्टिंग में कि बिल्कुल सेम यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको मिली है। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसके अंदर जो थर्मोस्टेट लगा होता है वो 75 पर कट ऑफ होता है, और इसके केस में और इसके केस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो पानी हमने गर्म कर लिया उसमें जब हमने पानी का टेम्परेचर लिया तो पानी ऐड नहीं हुआ ठंडा, यानी कि जितना पानी इसने गर्म कर दिया उतना ही उसके अंदर है। लेकिन इस केस में हमने जितना पानी इसमें से निकाल लिया था उतना ठंडा भी अंदर गया। तो यहाँ पर 4 से 5 डिग्री का फ़र्क ज़रूर है, बट स्टिल पूरा 27 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि सेम टाइम पीरियड के लिए हमने इसको और इसको चलाया, यानी एक हीटर को, वाटर हीटर को चलाया और एक इमर्शन रॉड को चलाया, तो पानी लगभग बराबर ही गर्म हुआ है। लेकिन बिजली की यहाँ पर अगर बात की जाए तो बिजली की खपत में सेम टाइमिंग में सेम वॉटेज में इमर्शन रॉड ने ज़्यादा बिजली खाई है। इसने खाई थी 0.88 यूनिट्स और इसने खाई है 0.92 यूनिट्स। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको एक इमर्शन रॉड लेना चाहिए या फिर गीजर लेना चाहिए। इसलिए ये वीडियो नहीं बनाया गया है, ये सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए बनाया गया था कि हीटिंग एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होती है। अगर आप कंफ्यूज हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक इमर्शन रॉड लेना चाहिए या फिर एक गीज़र लेना चाहिए, इस बात से अगर आप कन्फ्यूज हैं तो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि गीज़र के अपने एडवांटेज होते हैं, अपने डिसएडवांटेज होते हैं, और एक इमर्शन रॉड के भी अपने डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस होते हैं। तो अगर आपके यूज़ में गीज़र है या आपको लगता है कि आपको एक गीज़र लेना चाहिए तो आपको गीज़र ही लेना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि इमर्शन रॉड से काम चल सकता है तो आपको रॉड ले लेनी चाहिए। अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो आपको हमारा ये वाला वीडियो देख लेना चाहिए जिसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों के कंपेयर करते हुए बताए हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो कमाल की टेस्टिंग हमने करी है ये आपको कैसी लगी। तो चलिए ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार यूं ही बरसाते रहिए। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।